वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 16 कली का प्लाजो बनाना बताऊंगी। इसका मेजरमेंट इस प्रकार है। ही पे मेरी 48 इंच, उसमें मैं 6 इंच प्लस करूंगी, वो मेरा सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, तो मेरा 54 इंच हो जाएगा। आपका जितना भी आप हिप का लेंगे उसमें आप 6 इंच प्लस करके टोटल कर लेंगे। लंबाई है मेरी 38 इंच, 2 इंच मैं अलग से रखूंगी बेल्ट का, और इसमें मेरा 3 मीटर कपड़ा लगेगा, यानी कि 120 इंच कपड़ा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए 16 इंच का मुझे कली का प्लाजो बनाना है, तो जितना मैंने टोटल किया था उसको मैं उससे डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा ये 3.5 इंच के आसपास आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने देखिए ये 3 मीटर कपड़ा लिया है, इसकी मैंने इस तरह से तह लगाई हुई है। मैंने कपड़े की ये दो तह, चार तह लगाई है, चार तय को मैं फिर वापस करूंगी, तो मेरी 8 तय हो गई हैं। मुझे 16 कली का बनाना है, तो 8 कली मैं इधर से निकालूंगी और 8 कली मैं दूसरी साइड से निकालूंगी। इसके लिए देखिए ये मैंने मोड़ने का कपड़ा रख लिया है। मुझे 38 इंच लंबाई चाहिए, तो मैं इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लंबाई लगा ली है। उसके बाद मैंने लिया था, मेरा 3.5 इंच कली रखूंगी मैं इधर से, और 3.5 इंच कली रखूंगी मैं इधर से। ये मेरा ऊपर का हिस्सा होगा और ये मेरा नीचे का होगा। अब मैं इसको यहां से इस तरह से करके इसको मिला दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर बताऊंगी। ये मेरा नीचे से मोड़ने के लिए है, ये मैंने लंबाई ली है, जितनी मेरी कली है उसको मैंने यहाँ से लिया है 3.5 इंच, 3.5 इंच मैंने इधर से लिया है, 8 कली मेरी इधर से निकलेंगी और 8 कली मेरी इधर से निकलेंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये थोड़ा मेरा मोटा हो गया है कपड़ा, तो ये मुझे थोड़ा टाइट चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ से इस तरह से कट करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से कट गया है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, ये जो मेरा इधर से जो बंद भाग है मैं ये भी कट करूंगी, और ये इधर बंद भाग है ये भी कट करूंगी। ये मैं इस तरह से, ये भी मैंने कट कर दिया है। अब मैं ये वाला पार्ट इसको भी ऐसे ही कट कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से कट कर दिया है। इसको जोड़ने के लिए आप, ये मेरा उरेब है, इसको उरेब पट्टी बोलते हैं क्योंकि ये तिरछा कटा हुआ है, ये देखिए। तो मैं इसे जोड़ने के लिए एक हिस्सा मैं ये लूंगी और एक ये लूंगी, तो मैं इसको इस तरह से एक सीधा एक उरेब यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हमारा एक उरेब आ गया, फिर एक सीधा, इस तरह से हम 8 कली एक तरफ जोड़ेंगे और 8 कली एक तरफ। 8 कली जुड़ने के बाद उसके बाद मैं इसका आसन काटूंगी, तो अभी मैं इसको सिलती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इस तरह से कलियाँ जोड़ दी हैं। ये देखिए 8 कली मैंने एक तरफ जोड़ी है और 8 कली मैंने एक तरफ जोड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा इस तरह से मैं इसको ऐसे रख दूंगी। अब मैं इसके आसन की कटिंग करूंगी। आसन के लिए 2 इंच मैं ऊपर बेल्ट का लूंगी और ये यहाँ पे मैं इसको 15 इंच पे आसन कट कर दूंगी। ये देखिए, सिर्फ मैं यहाँ पे हल्का सा इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे कट हो जाएगा और मैं इसको यहाँ पे ऐसे कटिंग कर दूंगी। इस तरह से कटिंग करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, ये मैं यहाँ पे ऐसे बेल्ट लगा दूंगी, इसमें इलास्टिक डाल दूंगी और मैं इसको यहाँ पे ऐसे सिल दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको, जैसे मैंने आप सिंपल प्लाजो बनाया हुआ है मैंने अपनी वीडियो में, देखिए उस तरह से आप इसका ये सिलेंगे और ये आपका इस तरह से, देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, ये देखिए इस तरह से
ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका प्लाजो रेडी है। ऊपर हम बेल्ट लगा देंगे, साइड से सिलाई लगा के नीचे मोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी दिखती है तो आप मुझे बताइए, जिससे मैं उसे सही कर सकूं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो वो भी पूछिए। ठीक है फ्रेंड्स।